तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का फिर से गाइस रेसिडेंट इविल विलेज के एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस हम लोग अगेन आज जा रहे हैं रेसिडेंट इविल विलेज खेलने। तो ये हम लोग का होने वाला है एपिसोड नंबर 9 गाइस। तो जैसा कि गाइस तुम लोग को पिछले वाले वीडियो में याद होगा कि हम लोग मतलब रोज़ की बेटी को बचाने के लिए मतलब काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और हमको जो है चारों फ्लास्क भी मिल चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ मतलब सेपरेट बॉडी पार्ट्स था और बाकी जो असली रोज़ की मतलब सोल है वो मदर मिरांडा के पास है, और जो कि मदर मिरांडा उससे कई साल पुरानी उसकी मर गई बेटी शायद उसको ज़िंदा करना चाहने जा रही है। तो गाइस हम लोगों को उससे पहले जो है मदर मिरांडा को मारना पड़ेगा। मदर मिरांडा से पहले गाइस हाइजनबर्ग से भिड़ना पड़ेगा। तो इन्जॉय करो यार, फिलहाल हम लोग ड्यूक के पास हैं और काफ़ी ढेर सारी हमको चाहिए एम्यूनेशन, क्योंकि ये अजीब सी जो फैक्ट्री गाइस इसमें काफ़ी खतरनाक खतरनाक हाइजनबर्ग के मॉन्स्टर आ चुके हैं, मतलब पहले से थे कि आ चुके हैं जो भी हो गाइस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो डेडली हैं गाइस, पूरे मेटल के हैं गाइस वो सब। I've gotten some new stock. कहाँ है न्यूट? हाँ गाइस न्यू स्टॉक इसके पास आया है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि हमने ये देखो सारी चीज़ सोल्ड आउट सब चीज़ ख़रीद लिया था, और सारी चीज़ अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ हम लोगों ने जो है उन मॉन्स्टरों पर सारी एमओ और ये फ्लैश ब्लैंक और जो जो भी है सब हमने वेस्ट कर दिया। तो बढ़ते हैं गाइस आगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो एंड किया था, एक यहाँ पे मतलब नीचे से एक रास्ता था, वहाँ से जाकर आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या है। तो एंजॉय करिए गाइस। रिवॉल्वर एमओ 0। चलो चलते हैं गाइस। और हाँ एक चीज़ और गाइस, ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है इसमें एक अजीब सा बैज है मतलब लोगो है, जिसमें हमको एक की चाहिए इसको खोलने के लिए। तो मोस्टली जो है सारी कीस आयरन कीस मतलब आयरन वाले दरवाजे की होती है या कई सारी होती है वो लग जाती है, पर इसके लिए हमको जो है एक मोड मिला है, उसको हमको मतलब जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे पिघला हुआ लोहा डाल के जो मोड नहीं बनाते थे। तो हमको वहाँ पर जाकर एक की जो है बनाना है, तो उसी से जो है हम लोग ये मेन वाला दरवाज़ा खोल सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है मेन एंट्रेंस है ये फैक्ट्री से बाहर या अंदर जाने या जो भी हो हाइजनबर्ग के पास। फिलहाल गाइस ये वाला रास्ते पे शायद हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि पीछे जो सूटकेस रखा हुआ था वो खुला हुआ था। तो ये गाइस रास्ता नहीं है, रास्ता वो मेन वाला वही है गाइस, जो ही वो घोड़ा जिसमें नहीं बना है उसकी की हमें चाहिए, पर हमको उससे पहले जो है दोबारा से वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है की बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक फ्लोर या B4, अभी B1 पे हम लोग, तो हमें शायद B4 पे जाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस चलते हैं B4। और बाय द वे गाइस इसका पेट देखो कितना गंद है, जैसे लग रहा है ऑपरेशन करवा के आया। तो गाइस फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे दोबारा से, क्योंकि हमको वो मोड वाली स्पॉट ढूंढना है, जगह ढूंढना है जहाँ पे हम लोगों को वो अपना मोड डालकर पिघला हुआ लोहा उसके अंदर डालने के बाद एक की निकालनी है। ओके हाँ ये प्लेस तो लग रही है गाइस, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों हो गया है डोंट नो गाइस, पर काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया जगह है, यहाँ पे हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा दोबारा से यार, कहीं और ना चला जाऊँ मैं। फिलहाल गाइस याद करने की कोशिश पे, तू साले अंधेरे में पागल, तेरे सीने पे गोली मारूंगा मैं आयरन मैन। इसकी जब से हम लोगों को कमी मिल गई है ना मतलब इसकी कमज़ोरी पता चल चुकी है, तब से गाइस इसको मारने में बहुत मज़ा आता है यार। मैकेनिकल एक टाइप का कीबोर्ड है, मस्टर्ड मतलब मॉन्स मस्टर्ड बोल रहे हैं।
मतलब मॉन्स्टर है मैकेनिकल टाइप का, तो इसके वहां पे मारना पड़ता है दिल पे। ये कौन सी जगह है यार, कहाँ से आए थे गाइस हम लोग? रास्ता तो ये जाना पहचाना लग रहा है, बाकी कब से यहाँ पे, कल से भटक रहे हैं गाइस, बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। जल्दी से यहाँ से निकले फाइनल। ओके ये रास्ता शायद यहाँ से नीचे सीढ़ी जा रही। ओके गाइस अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया टाइप की यार, इसकी फैक्ट्री खुद कैसे टहलता है ये, पागल पागल साला। कहाँ आ गए, फिर भूल गए। अबे आय शेट, ये कौन सा रास्ता है? ओके याद आ रहा है गाइस, ओके याद आ गया, यहाँ से हम लोगों ने एक क्रैंक शाफ्ट टाइप की, ओके मिल गई। तुझे तो पहले मारूंगा मैं, इधर आ साले पागल, खाली ताकत है दिमाग पता नहीं कहाँ है, दिमाग घुटने में ये लोग का, इतना दिमाग लगा के हाइजनबर्ग ने पता नहीं क्या क्या इन लोगों के लिए जनरेटर पावर बनाया है, ह्यूमन रोबोट डेट्रॉइट टाइप का, पर इनका दिमाग बिल्कुल बकरी के खोखले दिमाग की तरह है। फाइनली गाइस हो गई यहाँ पे, अब हम लोगों को वो जहाँ पे घोड़ा वाला लोगो बना था उसकी की मिलेगी, काश वही हो यार। ओके लेट्स गो गाइस, इट्स टाइम टू मूव ऑन। यहाँ से अब जो है हमको दोबारा यहाँ से निकलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा लिफ्ट पे, ताकि लिफ्ट से हम लोग ऊपर जाएं और जो मेन वाला एंट्रेंस है घोड़े वाला दरवाज़ा, वहाँ से हम लोगों को एंट्री मिल पाए। बाप रे बाप, कितना दिमाग लगा के इस गेम को बनाया गया है भाई साहब। लेकिन गाइस अब मसला ये है कि हम लोग आए कहाँ से थे। ओके ये तो दोबारा वहीं पर आ गए, अब दोबारा हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा लिफ्ट, ये वाला दरवाज़ा नहीं गाइस, सही रास्ता है ये, यहाँ पे लग जाएगा। ओके आवाज़ आ रही है अंदर पागल होगी, 1 2 3 4, ओ पूरा पजावा है अंदर। देखो एक पाइप बॉम्ब घसीट के मारते हैं, तुम लोग का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, पाइप बॉम्ब तो है नहीं, ऐसा ही मारना पड़ेगा गन से। स्नाइपर कब काम आएगी मेरी? अबे यार एक तो इन लोग के मुंह पे पता नहीं क्या अजीब सा लगा रहता है, चश्मा उश्मा टाइप का, वीआर बॉक्स। चल हट, एक और था ना, अच्छा ऑल डेड। ओके गाइस देखते हैं, हमारे पास अभी केमिकल फ्लूइड नहीं है इसलिए क्राफ्ट नहीं कर सकते गन, बाकी स्क्रैप स्क्रैप की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, गन पाउडर भी मिल चुका है, लेकिन जाना कहाँ पे है? पहले थोड़ी एमओ क्राफ्ट कर लेते हैं गाइस, 30 एमओ इज मोर देन इनाफ। ओ यहाँ से भी कुछ मिल सकता है, ये क्या है, मैकेनिकल पार्ट, कितना मिलेगा, शाफ्ट कोई टाइप का, आगे काम आएगा गाइस, तभी ये मिला है। कहाँ से आया था मैं यार, यहाँ से, चलो नीचे ही चलते हैं। अबे यार काफी भूल भुलैया रास्ता है गाइस, ये यहाँ पे आ चुके हैं हम, ये तीसरी बार अब यहाँ से जा रहे हैं बचते बचाते मारे। अबे यार टकले भी दे दिया एक, भग 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 भग, बच गए। अब यहाँ से कहाँ जाना है भाई, पूरा का पूरा रास्ता एकदम गचपच हो गया दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से तो पे यहाँ पर भी आ चुके हैं, मैप मैप से तो कुछ समझ में खास आ नहीं रहा है, लेकिन हमको शायद
जहाँ पे एक सेमेट्री मार्क बना हुआ है वहाँ पर जाना पड़े, और उसको जाने के लिए हमको शायद गलत आ रहे हैं ये रास्ता लग रहा है गाइस। भाई पूरा कतई एकदम खतरनाक वाली वो है ये भूल भुलैया इसकी फैक्ट्री। ओके यहाँ पर नहीं आए हम, शायद सही आ रहे हैं। कौन सी जगह है यार, अब देखना है इनमें से पक्का कोई ना कोई जिंदा होगा। लिख के ले लो, देखा आ गया पीछे से। आ साले तेरी कमी थी शॉर्टकट। चल हाथ हटा, सीना छुपा रहा है अपना, दिल पे मारूंगा तेरे। अबे यार इसको वेस्ट कर दिए हम अपना। चलो निकलो, पागल हो तुम लोग, के पास पावर और वो सब तो है लेकिन सबसे मेन दिमाग नहीं है। ये क्या है? ओके एक सूटकेस मिला है गाइस यहाँ पे, और एक ओके आई पॉप रिवॉल्वर का कोई सामान मिला है हमें, ये नाइस यार। यहाँ पे आना सफल हुआ हमें, सबसे पावरफुल गन है ये पूरे रेसिडेंट इविल में, बिना मतलब इसको लेवल अप किए इतनी ज़्यादा पावर है गाइस इसमें। एक शॉट मार दो ना, हेड शॉट, काम तमाम। भाई सबसे ज़्यादा इसी ने झेलाया है ये हाइजेनबर्ग ने, और बाकी लोग से तो मतलब कुछ जल्दी सामना हो गया और उन लोग से फाइट हो गई, बॉस फाइट। पर ये साला पता नहीं क्या परेशान किया है, कोई सूरत से आ ही नहीं रहा सामने, कब से घुमाए पड़ा है हम लोग को फैक्ट्री में गाइस। तो काफ़ी देर तक गाइस इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे जूझने के बाद फाइनली हमको रास्ता मिल चुका है यार। वहाँ पे जो मेन वाला एंट्रेंस था, जहाँ पे दो वे जा रहा था, जहाँ पे एक दरवाज़ा था, वहाँ से हम लोग बार बार सिंगर चले जा रहे थे, पर हम लोग को अंदर से जाना था। कब से यार फालतू टहले पड़े हैं। अबे ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। लोहा उड़ा इसका भाई, पूरा कवर था ये, पूरा मेटल से करप था गाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत हार्ड है इसकी, बहुत पूरा जला है साले चोर। दिमाग मेरा बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल टहल टहल की संधेरी बदबूदार जगह में, पूरे जगह में ट्रांसफार्मर वाला ऑयल महक रहा है। कोई सूरत से अब जाके रास्ता मिला है गाइस, अब लग रहा है कि सही जा रहे हैं। भाई साहब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके मॉन्स्टर भी लेवल अप होते जा रहे हैं। जब मॉन्स्टर इतने हार्ड इतने आ रहे हैं भाई, तो वो सोचो हाइजेनबर्ग वा कैसा होगा। बे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट वाला और चौथा वाला सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है वो, उसको मारने में काफ़ी गाइस प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मारेंगे उसे भी क्योंकि रोज़ को बचाना है हमें। और एक चीज़ और गाइस, जब हाइजेनबर्ग को हम लोग मार देंगे, उसके बाद जो सबकी बॉस है सबसे ऊपर बैठी हुई है मदर मिरांडा, भाई भाई वो तो भी उसका तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है गाइस। उसको पता नहीं क्योंकि उसने तो सबको बनाया है ये लोग को, वो कैसी होगी। फिलहाल गाइस यहाँ पे अजीब सी पता नहीं क्या स्टीम स्टीम जैसी जगह पर आ चुके हैं, और आवाज़ भी आ रही है अजीबो गरीब दीवार वार टूटने की। यहाँ पे भी लग रहा कोई मॉन्स्टर है अजीब सा आयरन मैन वाला। अबे यार ये बहुत गंदा लग रहा भाई, डरावना लग रहा है। देखो इसको, आओ बेटे चलो, देखो कैसे आ रहा है धीरे धीरे। लोहा टूट गया होगा इसका, अब तक कहाँ गया, कहाँ गया रे तू भाई। आ गया, भागो भाई भागो, तुम्हारे सीने पे गोली मारूंगा मैं। यहाँ पे तुम्हारी कमज़ोरी पता चल चुकी है, तो ज़्यादा शान पट्टी मत दिखाओ यार, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। चल निकल तू भी, चल जाए स्क्रैप यार्ड में। चलो कम से कम मरने के बाद ये लोग मैकेनिकल हार्ट तो दे जाते हैं, जिसको हम लोग ड्यूक को देते हैं, तो उसकी बदले में हमको काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती है गाइस।
एक तरह से अपने ही फायदा है इनको मारना भी, शायद काम की चीज यहाँ पर कुछ नहीं है। फाइनली गाइस रास्ता मिल चुका है अपन लोग को। अब यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे ऊपर और वहाँ पे लगाएंगे अपनी ये हॉर्स वाली की जो अभी हमने मोड की है यार। लेकिन कभी कभी इस मोटे को देख के काफ़ी अच्छा लगता है। इनोसेंट मोटा है ये, लेकिन थोड़ा बनिया टाइप का है, बहुत वो करता है गाइस, ये लूटता बहुत है। अब हमारे पास पैसा कम है, लाई कम है, 1,20,000 है शायद। काश 1,80,000 होता है तो वो लेते हैं। एक ऑटोमेटिक गन आई है इसके पास। चलो कोई नहीं गाइस, मदर मिरांडा से जब अगली फाइट होगी ना अपने पास, तब तक शायद हम लोग के पास पैसा या मॉन्यूमेंट्स ये सब जो मिलती है हो जाएगी, तब बढ़िया खरीद के उसको मारेंगे। फिलहाल जो है उसी से काम चलाते हैं और बाकी फालतू चीज़ बेच देते हैं। अरे यार थोड़े पैसे कम हैं। कोई नहीं गाइस, यही वाली है। खैर छोड़ो गाइस, इतनी अभी औकात नहीं है, इतनी पैसा नहीं है हम लोग के पास कि यहाँ पे गन खरीद सकें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, पर ये 1,20,000 वाली गन जो है अपने बजट में है, पर काफ़ी कमज़ोर लग रही है ना, उसको नहीं चाहिए। हाइजेनबर्ग की है ये। ओके फाइनली भाई साहब, इतना सा छोटा सा दरवाज़ा खोलने के लिए कब से माथा पाची में कर रहा हूँ। इस अजीब सी अंधेरी फैक्ट्री में ऊपर से पागल पागल अजीब अजीब रोबोट बार बार। अबे तू भी तो आ जा भाई, कहाँ छुप के बैठा हुआ है हाथ में चूड़ी पहन के पागल। भाई गुस्सा चढ़ रहा है इसके ऊपर, दिमाग खराब हो रहा है, कब से इसको ढूंढ रहे हैं। दो मेरा एपिसोड इसी की फैक्ट्री के ऊपर बन चुका है, लेकिन कोई सूरत से गाइस ये हम लोग का सामना नहीं कर रहा है। कम्बक हाइजेनबर्ग का बच्चा देखो, वेटिंग फॉर यू, और खून जला रहा। ओके गाइस यहाँ से शायद हमको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर भी दो रास्ता है। अबे कोई है यहाँ पे, बहुत ही भाग। क्यों अचानक से आते हो यार तुम लोग। अबे यार दीवार तोड़ रहा है क्या ये। अबे बे 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 बे। ओ इसके पीछे है ये। ओके लेकिन ये बाकियों से काफ़ी अलग लग रहा है ये भाई, दीवार वार तोड़ रहा है ये। अच्छा यही तो है वो जिसको हाइजेनबर्ग पिछले एपिसोड में चिल्ला नहीं रहा था। अरे यार एमो भी ख़त्म, मेरा पिस्टल या तो स्नाइप। ओके गाइस आग लग गई है इसके इंजन और जो अजीब सा जो प्रोपेलर टाइप का है। आओ बेटा तुमसे डरते नहीं। अबे रास्ता बंद है यहाँ पे तो, लो एक गोली खाओ पीछे। बहुत हार्ड गोली पड़ी है बिल्कुल चिपक के। अबे क्या हो रहा है इसके साथ, ब्लास्ट होने वाला है क्या। क्या कर रहा है तू अंदर गधे। अरे तुम लोग के पास कहाँ है। अबे टेलीपोर्ट भी हो रहा है क्या ये। इसको इस लोहे पे छिका के मारते हैं गाइस, क्योंकि इसका जो मतलब जो इस वो है इसका कमज़ोरी उसके पीछे लगी हुई है, कोई पावर सोर्स है उसका, वहीं से इसको पावर मिलती है। उसी पे हम लोग को निशाना लगाना है, एम करना है, पर साला अपने पेट दिखाई नहीं रहा है। इतना तो समझदार है ये, एआई प्रोग्रामिंग इसकी तगड़ी की है हाइजेनबर्ग ने। भाई जो भी हो लेकिन आज जो भी है आज हाइजेनबर्ग को मार के रहना है हम लोग को। चलो निकलो। अच्छा एक और इसकी पता चली कमज़ोरी, ये दौड़ते हुए आता है, इसका प्रोपेलर नाचता रहता है फुल स्पीड पे, और आके गधा फंस जाता है कहीं पे, तो इसको उसको वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही टाइम को गाइस हमें फ़ायदा उठाना और इसके पावर पॉइंट पर मारना है। आओ बेटे आओ,
समझ चुके हैं अब हम तुम लोग को काफ़ी अच्छे से। पहले दिन भर तुमको अरे बार बार छिलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। रुको रुको, आप आएगा दौड़ के आएगा, ये आ रहा है, आवाज़ सुन। अच्छा आग मार रहा है ये, ओके नाइस, आग भी मारता है तू। आओ बेटे आओ। अबे यही है क्या, फंसा हुआ है क्या शायद? अबे यार निकल गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर आएगा ये, लेकिन इसकी हालत का आप फंसेगा फंसेगा, यही टाइम है गाइस। मारो एक और, अरे यार थोड़ी देर तक फंस जाता, आग मारेगा अब देखना। तो बहुत खतरनाक है वे ये, अबे यार हाइजेनबर्ग को कैसे मारेंगे? फंस गया क्या? अबे यार फंस गया गधे, उधर से तुझे आना चाहिए था ना, ताकि कम से कम एंगल तो मिल जाता हमें तेरे पीठ पे मारने के लिए। आओ बेटा अब नहीं भागेंगे हम, आ रहा दौड़ के, अब फंसा। चलो गाइस फंस चुका है, अब देते हैं इसको, एक दो तीन, गया बेटे तू। अबे बे 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 बे, कितनी जान है तेरी। नहीं प्रोपेलर्स का होने वाला बंद, ओके फाइनली गाइस हमने इसको मार दिया, और इससे हमको मिला है कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल हार्ट, जिसकी कीमत अच्छी लग रही है हमें। बाप रे बाप, क्या चीज़ था भाई साहब ये, भाई एक बार तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी जब ये सामने से आया था पंखा घुमाते हुए। गेम में बात है इसको, कुछ मज़ा आ गई खेल रही। कुछ भी कहो, लेकिन हाइजेनबर्ग के जो ये मॉन्स्टर आते हैं गाइस, जितने भी अभी तक आए हैं बिल्कुल बॉस लेवल के आ रहे हैं। इतना मतलब एफर्ट तो उसको लेडी डेमेट्रिस को नहीं लगा था गाइस, जब वो चाइन मॉन्स्टर में ही चेंज हो गई थी, जितना ये लोग को लग रहा है भाई। लेकिन गाइस टाइम टाइम के साथ गेम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गेम का लेवल बढ़ रहा है, साथ ही साथ हम लोग का भी बढ़ रहा है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिलहाल गाइस बकवास बंद करते हैं, सीधे चलते हैं आगे। और ये कौन सी जगह है, लिफ्ट है क्या ये? यहाँ पे भी एक और डोर है। अब भाई हमको लग रहा है बस हाइजेनबर्ग से जो है सामना कभी भी होने वाला है। ये कौन सी जगह है? अरे आ रहा है भाई, आ गया पक्का, लोहा कंट्रोल करता है वो आयरन जितने। अबे बे बे बे, भाई आ गया हाइजेनबर्ग, यहाँ पे फाइट होगी क्या? आ गया भाई। अब बाय द वे गाइस, ये जो आ रहा है G4 एक्सपीरियंस, इसको वो इग्नोर कर देना गाइस, थंबनेल लेने के चक्कर में स्क्रीनशॉट लेना रहता है, पर थोड़ी सेटिंग चेंज हो चुकी है मेरी, तो बीच बीच में ये आएगा तो गाइस थोड़ा इग्नोर करना, नेक्स्ट टाइम ये नहीं आएगा आई प्रॉमिस। फिलहाल गाइस हाइजेनबर्ग, अरे इसकी माँ की आँख, अबे का बन गया ये, गए भाई नीचे, इतने मुश्किल से ऊपर आए, दोबारा पानी में गिरे हैं, बच गए। अबे भाई साहब वो मतलब हाइजेनबर्ग नहीं है, एक अजीब सा रोबोट टाइप का बन गया है बिल्कुल, बहुत हैवी। अबे यार फिर नीचे फेंक दिया ये, हम लोग का सामना क्यों नहीं कर रहा है? देखो वी आर जस्ट अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, अरे ह्यूमन बीइंग साले तेरे पास तो इतनी हार्ड हट पावर है, उसके बावजूद तू हम लोग से
नजरें चुरा रहा है, सामना करने से डर रहा है। गधे कोई है गाइस यहाँ पे? I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? भाई क्रिस का क्या सीन है यहाँ? You think I killed Mia? सब जगह ये पहुँचा रहता है। That wasn't her. Okay. It was Miranda. Oh. Okay, guys. She's a bioweapon. अब कुछ कुछ समझ में आ गया है भाई। मिया जो इतनी पहले इसकी बात सुन लेते हैं गाइस। Bullshit. Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Hmm. Why us, Chris? What the hell is going on? भाई साहब, इतनी देर से हम लोग इसको गुंडा विलन समझ रहे हैं, बुरा इंसान समझ रहे हैं। Hand me that wrench. लेकिन भाई ये बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है भाई। भाई कब से जो हम लोग इसको जो सोच रहे थे कि ये जो इस किडनैप और जो जो करवाया है, जो कार क्रैश करवाया था, जो कि शुरुआत में हुआ था। This village, all these monsters and freaks, this is her life's work. हाँ, some sort of crazy experiment with the mold. Okay. भाई साहब जो हम लोग इतनी देर से सोच रहे थे, जो पहले एपिसोड में जो हम लोग का जो है एक्सीडेंट होता है, क्रिस आता है गोली मारता है ये वो, भाई ये क्रिस ने नहीं किया था वो सब जो है मियाँ ने करवाया था। मियाँ जो है, शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट, मियाँ इज मिरांडा। भाई ये शुरुआत से जो हम लोग की वाइफ बनी है वो सिर्फ रोज के वजह से मतलब आई थी। ओके, इसके जो मैन हैं वो लोग Rose. Holy shit, we gotta go. Relax, my men are monitoring the situation. Okay. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. Oh my god. Bhai saab, hum log ko dene wala hai kya ye? I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. Okay. I promise you, we will get your daughter back. Thank you, Chris yaar, tu bahut acha insaan. जो है मतलब वेपन टाइप की, तोप टाइप की अजीब सी चीज है जो कि इससे हमको जाना है सामने एलिवेटर से ऊपर और उससे फेस करना है हाइजेनबर्ग को। गाइस इसमें रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है, अभी इसने चलाया भाई पूरा दरवाज़ा लिटरली टूट गया। चलो चलते हैं अब। मेटल पॉलीमर कंपोजिट, हाँ, टाइम टू फाइट फायर विद फायर। ओके आओ साले हाइजेनबर्ग के बच्चे, तू नहीं बचेगा। भाई साहब पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आ गई है भाई यहाँ पे। वो जो है सेरेमनी स्टार्ट करने वाली है बिल्कुल, क्या नाम है उसका, मदर मिरांडा। चारों फ्लास्क अभी उसने जो इसके बंदे हैं क्रिस के, अरे फायर पावर देखो भाई पूरे पीछे आ गए, कतई जहर। भाई साहब जिस टाइम शॉट मारेंगे उसको हालत ख़राब हो जाएगी हाइजेनबर्ग की। भाई साहब पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है, मतलब जो मिया जो शुरुआत से हम लोग की वाइफ बनी हुई थी वो बिल्कुल भी मिया नहीं थी, वो मदर मिरांडा थी। और जो बीच बीच में याद होगा तुमको एक अजीब सी बुढ़िया नहीं आती थी, मतलब अजीब सी हंसी थी उसकी, वो भी मियाँ वो अरे मदर मिरांडा थी। भाई साहब उसके पास मतलब रूप धारण करने की पावर वावर है। तोड़ना है क्या इसे? तोड़ना है गाइस। होल्ड रेडी कैनन फायर। चलो भाई आ चुके हम लोग मैदान में और ये हम लोग के सामने हाइजेनबर्ग। लेकिन भाई ये क्या चीज़ है ये समझ ही में नहीं आ रहा है। अबे यार इसको तो छो ही नहीं रहा है। ओह शिट, मारा भाई। अबे चल भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है, मारा। अरे इसकी माँ की आँख,
ओके गाइस भागना पड़ेगा फिलहाल हमें, इसकी कोई कमजोरी होगी जैसे बाकियों की थी भाई, शायद जो रेड रेड इसके हाथों पे या जो भी है वहाँ पे मारना है। ओके गाइस कमजोरी मिल चुकी है इसकी, पावरी गाइस ओके वहीं पे मारना है हमको गाइस। ले साले ले, कैनन रिलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है तब तक गोली था भाई, इसके हाथों को मारना है। ओके फिर टूट गया, हमारी कमजोरी भी पता चल चुकी है, ये भी टूट गया। अबे यार शेट मिस हो गई, आ रहा भाई मर गया, मर जा भाई साहब क्या है कुछ समझ ही नहीं यार, इसके हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, एक अजीब सा रोबोट बन गया है। लेकिन इसकी हालत कम खराब हो रही गाइस, अरे आराम से भाई आराम से आराम से, अबे बे 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 घसीट रहा है ये है मुंह इसका, ये पड़ी एक शॉट दे साले खा सीधा मुंह पे तेरे पड़ी है। अबे यार मेरी, अबे बे 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 भाग भाग भाई साहब, मेरी टैंक पलट चुकी है और हम दोबारा कट्टे और पिस्टल पे आ गए। अबे यार कैसे मारेंगे इसको, भाई बाप एमो भी नहीं है, शायद इसके मुंह पे मारना है। अबे मुंह कहाँ है इसका कहाँ मारूं मैं भाई, तो गलत सीन हो गया भाई, काफ़ी पावरफुल है ये। अच्छा ये इसका मुंह शायद यही है, स्नाइपर से मारते। अबे यार इसमें भी एमो नहीं है गाइस, यही है गाइस इसकी कमजोरी शायद यही है। आओ बेटे, अबे बे भाई आई एम सॉरी भाई, दो मिनट रुक जा साले, बस तेरी हमको कमजोरी ढूंढना है फोड़ना है बस, फिर आ रहा है। अबे यार कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, कहाँ मारूं मैं, ये तो गलत काम हो गया यार, वही तो एक सहारा था मेरी तो भाई गुस्सा ना। अबे बे बे अरे भाई बहक गया भाई, इतना लोहा डालेगा हम लोग के अंदर आराम से भाई, इंसान हूँ मैं बड़ी भाई, शायद इसके मुंह पे मारना है, यही है इसका मुंह। ओके ले साले बुलेट खा तू पहले स्नाइपर की, बहुत देर से तूने परेशान कर रखा है। हमारे पास रिवॉल्वर कहाँ कहाँ है, रिवॉल्वर की शायद एमो नहीं है, शॉटगन की आ रहा गाइस, एक वो मारते हैं इसको, कहाँ है जल्दी मिलो, पाइप बॉम, पाइप बॉम एक मारते हैं गाइस को। ले साले एक और ले, कुछ नहीं हुआ, स्नाइपर ही चलानी पड़ेगी हमको। अबे यार इसकी भी एमो नहीं गाइस, काश होती, शॉटगन ही शॉर्टकट की भी ख़त्म हो गई भाई, पूरा पागल हो गया ये, आराम से भाई प्लीज़ माफ़ कर दे भाई, दो पुली भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, भाई एक बार दो पे बैठ जाए। ओके गाइस फाइनली दो आ चुकी है हम लोग के हाथ में और इसने अपना मुंह खोल लिया है, चलाओ तो चलाओ 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 चलाओ, ये साले बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी है गाइस इसके मुंह पे। अब तू गया, तू गया पक्का, मर गया भाई, बाप रे बाप थका दिया भाई इसने तो बिल्कुल। फाइनली गाइस हमने हाइजेनबर्ग को भी, जो चौथा अपना सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था,
उसको भी जैसे तैसे क्रिस के हेल्प से मार दिया अल्फा। Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? जल्दी आ भाई। Ethan? Rose? भाई रोज रो रही है। Ethan, respond. अरे Mia? देखे भाई ये मिया नहीं है, ये मदर मिरांडा है। ये She's everything to me. And mine too. भाई साहब एकदम इसने पागल कर दिया है। With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know. I've also surpassed my lead. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? देखा देखो भाई। Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor. Okay. No. Rose is Evelyn's true complete. Evelyn शायद इसकी बेटी का नाम है जो बहुत साल पहले मर चुकी है। And I must have. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. Guys. She's my child, not yours. रोज के जो सोल है उससे अपनी बेटी को जिंदा करना चाह रही है ये। Why did Rose come to be? Was it because of her parents? देखो ये बुढ़िया भी है। अरे बाप कब से पागल कमीनी बना रही थी इसको। लैंड माइंड से उड़ा देना चाहिए था। Your worth as a lab rat has run out. Miranda, you coward. Come out and face me. अभी Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. अबे इसकी माँ की मिरांडा भाई। I will make sure to sample your blood. दिल निकाल दिया बाहर। Once dawn breaks, the ceremony will be complete. And I will become her true mother, bound for eternity in blood. भाई साहब बहुत बेकार है यार ये मिरांडा। सबको पूरा इसका पूरी फैमिली को मार दिया। भाई मर गया इथन। देखो ये यही इथन। अब रोज को कौन बचाएगा जानने के लिए गाइस चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग का आखिरी एपिसोड होगा। टिल देन बाय बाय गाइस।